Hey guys, क्या हाल चाल है? उम्मीदें बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में तबाही मचेगा, तबाही। मैंने इस वीडियो में आप सबको बताया है Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, इन तीनों फोन में जो फीचर्स हैं, इनके हिडन फीचर के बारे में। वैसे मेरा नाम संदीप है, आप देख रहे हैं ये हमारा टेक ड्रोइड हिंदी यूट्यूब चैनल। तो इसमें जो हिडन फीचर है इन फोन का, वो पूरी चीज आपको पता चल जाएगी। और हाँ, एक चीज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपने अगर ये Redmi का मतलब Xiaomi MI का फोन पहली बार खरीदा तो ये बता दीजिएगा कि हाँ भाई हमने पहली बार खरीदा। और आपको लगता है कि आप लगता नहीं, अगर आपने पहले भी Redmi का फोन यूज किया होगा तो हमें बता दीजिएगा, हाँ भाई मैं पहले भी यूज कर चुका हूं। लेकिन ये वीडियो वर्थ इट होने वाली है। आप सब बोलोगे कि यार क्या वीडियो देखा, ट्रस्ट मी यार, क्योंकि मजा आ जाएगा। जो हिडन फीचर है माइंड ब्लोइंग है, मैं बातों से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको बस इस वीडियो को पूरी देखनी है और तबाही मचाते हैं यार। वीडियो लाइक कर दो, वीडियो वायरल होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए, ताकि सभी Redmi वालों को पता चले यार। ठीक, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, घंटी बटन दबा दीजिएगा तो हमें खुशी होगी हमें। और वैसे भी मैं सॉफ्टवेयर लॉक तोड़ना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना, हर टाइप के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो शेयर कर देंगे तो और लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो शेयर कर दें। कमेंट में आपको लिख देनी है Redmi, सही से लिखिए Redmi Note 10 Pro Max टिप्स एंड ट्रिक। या तो इतना लंबा कमेंट नहीं लिखना है तो आप लिख दीजिए Note 10 Pro टिप्स एंड ट्रिक। या तो देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट में लिखा Redmi Note 10 Pro Max टिप्स एंड ट्रिक। आपके पास अगर Max वाला फोन नहीं है, Pro Max नहीं है, तो आपके पास Pro होगा तो आपको सिर्फ लिखना है Redmi Note 10 टिप्स एंड ट्रिक, ये कमेंट में लिख देनी है। जो फोन आप यूज करते हैं उसका नाम लिख दीजिए। अब चलिए यार बिना किसी देरी के ट्रिक की ओर चलते हैं फटाक से। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपको सेटिंग करना है वो आपके सिक्योरिटी, देखिए यहाँ है ना, वैसे आपके फोन में यहाँ होगा सिक्योरिटी, किधर है ये देखो मिल गया। इसके अंदर आपको जाना है और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें मिलती है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे डाटा यूजेज पे जाएंगे ना तो इसको चालू कर देना है, डाटा यूजेज, ये मैंने चालू करके रखा है, आप भी चालू कर दीजिए। और ये रिपोर्ट डाटा यूजेज इन्फो, इसको चालू कर दीजिए। सो कनेक्शन स्पीड, इसको भी चालू कर दीजिए। यहाँ पे जो आपका इंटरनेट चलेगा ना उसका स्पीड बताएगा, ठीक है, मस्त है। ये सब चालू कर दोगे तो एक चीज और जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो हमारा लुक स्टाइल है वो ऐसा है नया वाला MIUI का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा इसको आप यूज़ करने से अच्छा है पुराना वाला यूज़ करो। पुराना वाला कौन है, ऐसे स्लाइड करते हो तो नोटिफिकेशन दिखता है, ऐसे करते हो, इधर से करते हो तो ये ना डाटा नोटिफिकेशन ये सब वगैरह दिखता है। तो हम पुराने वाले स्टाइल में कैसे जाएंगे, सेटिंग में जाइए। सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले में आपको जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद नीचे आ जाइए, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड मिलता है, इस पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद यूज न्यू कंट्रोल सेंटर है, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए क्या दिख रहा है, पुराना वाला, लेकिन ये पुराना वाला जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है, यहाँ पे देखिए डाटा नोटिफिकेशन भी आपको दिख रहा है, कितना GB आज हमने यूज किया, 15.8 KB। इंटरनेट स्पीड हमारा ऊपर में दिख रहा है, ब्लूटूथ को मैं बंद कर देता हूँ। और देखा आपने कितना ज़्यादा ये ज़बरदस्त है फीचर्ड। और ये देखिए सो कैरियर व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसको चालू कर दीजिए। और ये ग्राफिकल बैटरी इंडिकेटर, हम अगले ट्रिक की बात करते हैं तो वो हमारा है ग्राफिकल इंडिकेटर। फ़ोन का बैटरी देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। मुझे इसके अंदर परसेंटेज भी चाहिए, परसेंटेज दिखे बैटरी का, बैटरी इंडिकेटर पर क्लिक करो। साइड में चाहते हो परसेंटेज दिखे तो ये क्लिक करो, चाहते हो कि बैटरी के अंदर ही परसेंटेज लिखा रहे तो ये क्लिक कर दो। मैं ये वाला डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। अब देखो मेरे बैटरी का परसेंटेज दिख रहा है, 80% चार्ज है ये मेरा फोन, कितना ज़्यादा ऑसम और बेस्ट ट्रिक है। अब चलिए एक और पावरफुल ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए
आपके सामने ये ट्रिक रहेगा लेकिन आप सबको पता नहीं होगा, Redmi Note 10 Pro Max जो है या फिर कह लीजिए Redmi Note 10 Pro में AMOLED स्क्रीन है। भाई थोड़े पैसे खरीदने में जरूर लगे हैं आपके, लेकिन उसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। लाइट मोड, डार्क मोड, डार्क मोड जब आप यूज करेंगे ना Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 के कोई भी सीरीज में जिसमें AMOLED स्क्रीन है, तो उसमें आपका बैटरी ना बहुत ही ज्यादा चलेगा कंपेयर टू वाइट मोड। हाँ मुझे चलाने में ना वाइट वाला अच्छा लगता है, ये डार्क मोड अच्छा नहीं लगता ज्यादा, लेकिन हाँ बैटरी बचाने की बात आ जाएगी ना तो कभी भी डार्क मोड को यूज कर लेना। डार्क मोड जैसे ही यूज करोगे ना यहाँ पर आपका फोन ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये पूरा जो फायदा है बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे मैं लाइट मोड में कर लेता हूँ लेकिन इसका फायदा आप जान लो, डार्क मोड को हमेशा रखना बैटरी बचाना चाहते हो तो। बैक आ जाओ और एक और सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, वो है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाइए, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी दिख जाएगा, एक्सेसिबिलिटी में जाइए, फिर आपको इधर आ जाना है विजन में, फिर आपको नीचे करना है रिमूव एनिमेशन, आपको दिख रहा होगा, इसको चालू कर देंगे ना अब देखिए क्या होता है। बैक हमने बैक क्लिक किया हो गया, खोला हमने खुल गया, फिर बैक। कुछ समझ रहे हो कितना स्पीड हो चुका है आपका फोन, फोन का एनिमेशन यहां पे बंद हो जाता है। बंद होने का फायदा फोन का स्पीड, आपको जो ये मैंने क्लिक किया खुल गया, ये मैं क्लिक करूंगा खुल गया। यहां पे देखो मैं डिफरेंस अभी आपको समझाता हूं, फिर मैं देखो मैं पुराना वाला कर देता हूं जैसे पहले एनिमेशन आ रहा था ना। एक्सेसिबिलिटी में जाओ, विजन में जाओ, रिमूव एनिमेशन को चालू कर दो। अब देखो मैं बैक करता हूं, ये देखो ये जो ऐसे ऐसे ये हो रहा है ना, इसको एनिमेशन बोलते हैं। अगर एनिमेशन बंद रहा तो हमें नुकसान क्या होगा? भाई कोई नुकसान नहीं होगा, ये अपनी मर्जी, बस देखने में अच्छा लगता है आपको तो ये रखो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा फास्ट करके रखना है तो फिर ये करो, यहां पे कोई एनिमेशन नोट डिले, बहुत फास्ट में आपका काम करेगा फोन रिमूव एनिमेशन को अगर आप चालू रखते हैं तब। ये फायदा है, बाकी आपकी मर्जी है और ये मैंने ट्रिक आपको बता दिया। हाँ लेकिन अगर आप गेम खेलने के लिए स्पेशली ये फोन खरीदे हैं ना तो आपको वो सेटिंग चालू रखना है, एनिमेशन क्या करोगे देख के, तो इसलिए पूरा फीचर का मजा लो, परफॉर्मेंस इसको पीक बना दो, गेमिंग फोन ये बन जाएगा यार, बहुत ज्यादा पावरफुल ये सेटिंग है, फीचर है। ठीक है तो यार आप देखो फाइनल हम ट्रिक की ओर जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो एक बार और देख लो, लाइक नहीं किए थे तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब चलते हैं ये ट्रिक जिसका कि आप सबको इंतजार था, फोन को जो है टीवी में कैसे चलाएंगे। सबसे पहले अपने फोन को जो है ना, अपने फोन में एक ऐप चाहिए होगा आपको जिसका कि लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये Redmi Note 10 Pro Max या Note 10 Pro सब जो है ये सपोर्ट करता है, मैंने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा था पहले से, तो आप जो है नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐप ओपन करेंगे तो नीचे स्किप मिलेगा, स्किप पे क्लिक करना है, फिर आपको ये स्टार्ट मिलेगा। वाईफाई चालू रखिएगा ध्यान रहे, और माफ करिएगा क्वालिटी के लिए वीडियो को HD में करके देखें तो अच्छे से पता चलेगा, तो बस यही थोड़ा क्वालिटी यहाँ पे लो था, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट पे करके ना स्क्रीन मिररिंग पे क्लिक करना है, स्क्रीन मिररिंग को क्लिक कर देने के बाद एंटर कर देनी है, बस हो गया आपका काम। अब जो आपका कोई नॉर्मल LCD है LED है तो उसमें जो है स्क्रीन कास्ट को चालू कर दीजिएगा TV में, ये आपको सेटिंग मेनू मिल जाता होगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके बस ये एप्लीकेशन के अंदर मुझे अपना फोन TV दिख गया, मैंने TV पे क्लिक किया और देख सकते हैं फटाक से यार Redmi Note 10 Pro ये Max जो है ये अच्छे से मैं चला पा रहा हूँ TV में, और बहुत ही मज़ा आ जाता है। सोचो यार कि आप सबके फ़ोन में ये फीचर अंदर में है, कितना मस्त बात है। चलिए हम इसका कुछ फ़ायदा भी आपको दिखाते हैं, जैसे फ़ोन में कोई फ़ोटो है तो उसको TV में देखना है देख सकते हैं,
फैमिली फ़ोटो है टीवी मतलब मोबाइल में, तो उसको बड़े स्क्रीन पे टीवी में देखने का मज़ा अलग है यार। तो टीवी में देख सकते हो, देखो यार क्वालिटी फुल्ली रहता है, क्वालिटी फटता नहीं है। मैं यहाँ पे और भी फोटो में दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पूरा जो एक्सपीरियंस किया ना वो मतलब सीमलेस जिसको आप बोलते हैं ना वो काम करता है मस्त तरीके से। यहाँ पे देखिए मैं अपने फ़ोटो को अच्छे से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, क्वालिटी नहीं फटता है, देख सकते हैं क्वालिटी बिल्कुल वही है सेम। और वीडियो वगैरह चाहेंगे चलाना अपने टीवी में, डायरेक्ट टीवी में भी चलेगा। साउंड देखिए, मैंने वीडियो जब प्ले किया तो मैंने साउंड को कम कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि YouTube पे कोई गाना नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, मैंने कोई वीडियो प्ले किया, आप यहाँ पे देखिए साउंड को कंट्रोल आप कर सकते हैं। मैंने ये फ़ोन में वीडियो चलाया और वायरलेसली, देखो ये मत कहना कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, कोई गलती कर रहा हूँ। अब देखो मेरे फ़ोन के केबल में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब टाइप सी पोर्ट में, सब मैं नॉर्मली वायरलेसली मैं चला रहा हूँ, तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये कोई वीडियो फेक नहीं है, ओरिजिनल है। आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना उसका लिंक मैं दे दूँगा, और कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिएगा कमेंट में। यहाँ पे देखिए वीडियो मैं फ्लॉलेसली मैं चला रहा हूँ अच्छे तरीके से, सुपर कूल फीचर है। और यार ऑसम मुझे लगा ये ट्रिक देख करके। मैं गेम भी चाहूँगा ना, पबजी फ्री फायर कुछ भी चलाना टीवी में, डायरेक्ट टीवी में चलेगा। और एक गुड न्यूज़ मैं बताना चाहूँगा, आपके पास रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के अलावा कोई और फ़ोन है तो दूसरे कंपनी का फ़ोन जो है ना उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आप जो है ना दूसरे फ़ोन का भी नाम आपको कमेंट में लिख देनी है, तो मैं आपके फ़ोन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देनी है, ठीक है, और वीडियो शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, तो और भी यार जान पाएंगे। सोचो यार और भी जो Redmi Note 10 के यूज़र हैं वो जानेंगे कि मेरे फ़ोन में इतनी बड़ी फीचर है, तो वो भी चौंक जाएगा। कमेंट में लिख देनी है ये ट्रिक कैसा लगा, आपको लिख देनी है बेस्ट Redmi Note 10 Pro Max ट्रिक, या जो आपके पास फ़ोन है ना उसका जो है वो कमेंट में लिख देनी है। और आप देखिए, आप जानना चाहते हैं कि Redmi Note 10 Pro Max का लॉक कैसे तोड़ेंगे, इसमें सॉफ्टवेयर कैसे डालेंगे, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। और वैसे भी मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो में बनाते रहता हूँ। थैंक यू, मेरा नाम संदीप है, मिलता हूँ आगे वीडियो में।